वेलकम बैक गाइज। आज मैं डिस्कस करूंगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एक कैटेगरी जिसका नेम है स्पीसीज। क्या स्पीसीज तो स्पीसीज क्या है? हायरार्की को शो करता हूं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। तो स्पीसीज क्या है? ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की का या टैक्सोनॉमी का कौन सा कैटेगरी है? सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। मैं रैंकिंग बताया था कौन सा सेवन, तो ये लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीसीज इज अ लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी। तो स्पीसीज क्या लोएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमी का, जो अभी बताया। और सेकंड क्या, स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन एज वेल एज एवोल्यूशन। तो क्या स्पीसीज एक बेसिक यूनिट है किसका? टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन का एंड एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, स्पीसीज कैसे बेसिक यूनिट है वो जब मैं एवोल्यूशन चैप्टर आएगा इन फ्यूचर तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा स्पीसीज कैसे कोरिलेट करता है एवोल्यूशन को। तो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब मैं डिस्कस करता हूं थर्ड पॉइंट, स्पीसीज इज नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स रिजेंबल वन अनदर अनदर इन ऑल इसेंशियल मार्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। नेचुरल पॉपुलेशन, नेचुरल पॉपुलेशन क्या होता है? मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, बाकी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा जब इकोलॉजी में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें पॉपुलेशन क्या होता है, नेचुरल पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन रेट सब डिस्कस करूंगा। बट नेचुरल पॉपुलेशन अभी के लिए नेचुरली जो बर्थ रेट और डेथ रेट इफेक्टिव हो वही क्या है, नेचुरल पॉपुलेशन। तो नेचुरल पॉपुलेशन में ये स्पीसीज का पॉपुलेशन है, स्पीसीज का। कोई स्पीसीज सपोज करो ये डॉग है, क्या है, डॉग्स का पूरा स्पीसीज है। तो इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स है, तो ये रिजेंबल वन अनदर आर इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल। ये रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं किससे, एक दूसरे से आपस में। क्या मॉर्फोलॉजिकली मिलते हैं, कैसे मार्फोलॉजिकली भी एक दूसरे, एक डॉग दूसरे डॉग का मार्फोलॉजिकली भी रिजेंबल करेगा। और क्या रिप्रोडक्टिव करेक्टर, जो ये इसका भी रिप्रोडक्टिव करेक्टर, सब का रिप्रोडक्टिव करेक्टर भी आपस में रिजेंबल करेगा। तो मार्फोलॉजिकल करेक्टर भी रिजेंबल करेगा और रिप्रोडक्टिव करेक्टर भी रिजेंबल करेगा। फोर्थ पॉइंट, स्पीसीज कैरी सेम टाइप एंड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल सो दैट दे आर एबल टू ब्रीड टू ब्रीड
among themselves under natural condition to produce fertile प्रोजनी। ये फर्टाइल वाटर। मैं इसको विथ फिगर एक्सप्लेन करता हूं। ये डॉग इस स्पीशीज का पॉपुलेशन हो गया। डॉग ये कैट स्पीशीज पॉपुलेशन हो गया है। तो ये आपस में ब्रीड करके फर्टाइल प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे नेचुरल कंडीशन में। ये भी अपना आपस में मेल कैट फीमेल कैट आपस में ब्रीड करके फर्टाइल प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे नेचुरल कंडीशन में। बट अगर डॉग, ये कहो कि डॉग कैट से, डॉग अगर कोई मेल हो या फीमेल हो, कैट मेल हो या फीमेल, अगर वो ब्रीड करता है तो वो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूज किया गया इस चीज के लिए नेचुरल कंडीशन में। वो फर्टाइल प्रोजेनी आपस में जब स्पीसीज, एक स्पीसीज ब्रीड करेंगे तो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे। अगर अलग प्रोजेनी, अगर नेचुरल तरीके से, अगर डिफरेंट स्पीसीज अगर ब्रीड कर दे तो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया था एक रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में मैं बोला था म्यूल्स। ये म्यूल्स क्या, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों, अब मैं यहां पे आपको बताता हूं। ये हॉर्स हो गया, ये क्या हो गया, डंकी हो गया। डंकी, हॉर्स क्या था, फीमेल। डंकी क्या है, मेल। जब हॉर्स फीमेल और डंकी मेल में ब्रीड हुआ तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ, म्यूल प्रोजनी। ये प्रोजनी, बट ये प्रोजनी कौन सा है, इनफर्टाइल। ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये अलग स्पीसीज है। हॉर्स डंकी अलग स्पीसीज है, तो ये ब्रीड तो किए, प्रोजनी भी प्रोड्यूस किए, बट ये फर्टाइल प्रोजनी नहीं प्रोड्यूस किए। तो इसीलिए वो टर्म यूज किया फर्टाइल प्रोजनी। कि ह्यूमन पॉपुलेशन में, अगर ह्यूमन स्पीसीज में आप देखेंगे तो फर्टाइल प्रोजनी जो है 100% नहीं होंगे। अगर सेम स्पीसीज में भी अगर ब्रीड करते हैं, श्योर नहीं 100% फर्टाइल ही होगा। जैसे ह्यूमन स्पीसीज में ट्रांसजेंडर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है बट वो श्योर नहीं है कि 100% ही फर्टाइल। और ट्रांसजेंडर भी होता, सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसे होता है, अपना अपने स्पीसीज में सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। अभी एक पॉइंट और लेता हूं, स्पीसीज आल्सो कॉल्ड जीनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड लेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये पॉपुलेशन है डॉग्स का, ये स्पीसीज सेम स्पीसीज है, डॉग डॉग डॉग। तो क्या ये आपस में मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, अभी मैंने जैसा कि बताया, सिमिलर रिजेंबल करेंगे, सेम दिखेंगे, बट अगर जीनेटिक लेवल पे आप बात करोगे,
जीनेटिक लेवल। तो जीनेटिक लेवल में एक दूसरे से क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, मतलब एक दूसरे से आपस में भी भिन्न होंगे जीनेटिक लेवल। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में, ह्यूमन स्पीसीज में मैं बताता हूँ कि ह्यूमन स्पीसीज मार्फोलॉजिकली रिप्रोडक्टिवली रिजेंबल है, मार्फोलॉजिकली या रिप्रोडक्टिवली रिजेंबल है ह्यूमन स्पीसीज, बट एक दूसरे से कितने 0.1% में जो कोडान है, जीनोटाइप्स है, वो क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए तो मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये बंदा है, ये बंदा, उसको देखते ही आइडेंटिफाई कर देता, अच्छा ये है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीनेटिक लेवल है, जीरो टाइप्स है, कोडान लेवल पे उसका क्या है, वेरिएशन है। तो सेम होते हुए भी, एक स्पीसीज सेम होते हुए भी जीनेटिकली वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। वो रिप्रोडक्टिवली अगर देखा जाए, करेक्टर तो सेम है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली अगर देखा जाए तो वो भी आइसोलेटेड पृथक किए जा सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर एग्जांपल से मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कैसे स्पीसी चेंज होने पे ऑर्गेनिक चेंज हो जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम, सेकेंड कौन लाइन का, पैंथेरा लियो, इसका जूलॉजिकल है, थर्ड क्या मैंगो, इसका बोटेनिकल नेम मैंगिफेरा इंडिका। तो इसमें क्या, सोलैनम जीनस है, पैंथेरा जीनस है, मैंगिफेरा जीनस है, ट्यूबरोसम स्पीसीज है, लियो स्पीसीज है, इंडिका स्पीसीज है। अब इसी का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, फिर जो जीनस सेम रहेगा, स्पीसीज चेंज होने पर ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लेता हूं, सोलैनम नाइग्रम, सेकेंड जीनस से ही रहेगा पैंथेरा टिग्रिस, मैंगिफेरा कैसिया, तो आपने देखा जो सोलैनम ट्यूबरोसम था, पोटैटो था, पैंथेरा लियो था, लायन था, मैंगिफेरा इंडिका था, मैंगो था। तो अब स्पीसीज है सोलैनम नाइग्रम, तो ये मकोए हो गया, पैंथेरा टिग्रिस आ गया, तो ये क्या हो गया, टाइगर हो गया। ऐसे मैंगिफेरा कैसिया जब आया तो मैंगो का अलग स्पीसीज हो गया। तो इससे क्या पता चला, अगर आप जीनस सेम रखो, स्पीसीज अलग रखते हो या स्पीसीज चेंज करते हो तो ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है। आई होप आप समझ गए। अब मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूं, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं एग्जांपल लेता हूं ह्यूमन का, ह्यूमन का, ह्यूमन स्पीसी, ह्यूमन स्पीसी। तो देखते हो कि ह्यूमन में जब इसका मैं जूलॉजिकल नेम लिखता हूं, होमो सैपियंस, साइपियन, तो ये क्या है, जीनस है, क्या है ये, जीनस है, ये क्या है, स्पीसीज है, ये क्या है, सब स्पीसीज है। तो जो ये सब स्पीसीज होता है, ये मैं यहाँ ये भी फिगर बताता हूँ, ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन स्पीसीज है। तो ह्यूमन आपस में तो है, बट ये भी आपस में जो सब स्पीसीज लग जाता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में जब सब स्पीसीज लग जाता है तो आपस में जो स्पीसीज है उनमें भी सब स्पीसीज वो अपना एक एक्स्ट्रा करेक्टर शो करते हैं। तो और मैं स्पीसीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस
डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।